Hello, my dear kids. Welcome back. I'm Vandana and we are learning Science of Class 3 by Wayne Root series. And here's a book, Science Spark. Today we are going to start with chapter number 11 and the name is Light, Sound and Force. So, let's start the chapter. In this, we are going to learn about these three things, which is light, sound and force. What is light? What is sound? And what is force? So let's start with the warm-up exercise. Circle the object that help us to see at night. ऐसी चीजों को आपको क्या करना है? Circle करना है, जिसकी वजह से आप रात में देख सकते हो. Take the object which, with the help of which we can see in the daytime. उन चीजों को आपको tick करना है, जिनकी वजह से आप दिन में देख सकते हो. तो रात में हम इस lamp को use करते हैं देखने के लिए. This is used. And this is also used. But in the daytime, we are able to see because of the sun. Now, so name the things that enable us to see things. Aisi cheez ka naam likhiye jo hame help karti hai dekhne mein. In sab se hame kya mil raha hai? In sab se hame mil raha hai light. To light hame help karti hai cheezon ko dekhne mein. Next, the new topic that we are going to learn is light. You already know that stars have light of their own. आपको तो ये पता ही होगा कि जो stars हैं उनकी खुद की light होती है. The sun is the star closest to the earth. और sun क्या है? ऐसा star है जो earth के बहुत ही नजदीक है, पास है. It is our main source of light and heat. ये हमारे main source है heat और light का. Many man-made objects such as a bulb, a diya. And a candle also give us light. बहुत सारे जो man-made objects हैं, वो क्या है? वो भी हमें light देते हैं. जैसे कि एक bulb हो गया, वो हमें light देता है. दिया हमें light देता है और candle भी हमें light देता है. All objects that give us light are called luminous objects. तो जितनी भी चीजें हमें रोशनी देती हैं, उन सब को हम luminous objects कहते हैं. Name of heavenly body that shine. But does not have light of its own. ऐसे किसी heavenly body का नाम बताइए. वो चमकता तो है पर उसकी खुद की light नहीं होती. तो क्या है वो? वो है moon. ये चमकता तो है रात में, हमें चमकता हुआ दिखता तो है, but इसकी खुद की light नहीं होती, ये sun से light लेता है. Most objects such around us, such as a wooden stool, a newspaper and an ice cream do not give us light. तो हमारे आसपास ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है. ये तीनों चीजें होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी लाइट नहीं निकलती. ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव अस लाइट. सो वो ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट नहीं देते, जिनमें से लाइट नहीं निकलती, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम. तो ये जो टेबल है या ये जो आइसक्रीम है या जो न्यूज़पेपर है, जब तक इनके ऊपर रोशनी नहीं पड़ेगी, ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगी. तो किसी भी चीज़ के दिखने का कारण क्या होता है? उसके ऊपर जब किसी भी चीज़ के ऊपर जो है रोशनी पड़ती है, तभी वो सब्सटेंस हमें दिखाई देता है. सो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे बल्ब, सन एंड दिया, ये है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. और यहाँ पर टेबल, आइसक्रीम एंड न्यूज़पेपर, ये है नॉन ल्यूमिनस objects. What causes the formation of shadow? अब children, आपको ये बताना है कि ये जो हमारी shadow पड़ती है, shadow means परछाई, वो कैसे बनती है? So क्या है उसका main कारण जिसकी वजह से हमारी shadow बनती है? So light a torch on table. आपको क्या करना है? एक table पे torch को जलाना है. Now place a book between the torch and the table. अब आपको क्या करना है? टेबल और उस टॉर्च के बीच में आपको एक बुक लगा देनी है. व्हाट डू यू नोटिस? आपको क्या दिखाई देता है? अ डार्क इमेज अपीयर ऑन द टेबल बिहाइंड द बुक. तो बुक के पीछे हमें एक डार्क कलर की इमेज दिखाई देगी. दिस इज द शैडो ऑफ द बुक. और ये क्या है? उस बुक की शैडो, उस बुक की परछाई. शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक या फिर स्टॉप द पाथ ऑफ लाइट. शैडो कब बनता है? परछाई कब बनता है? जब कोई भी चीज़ जो है
लाइट के रास्ते को रोक देती है, तो उस चीज की शैडो बन जाती है। यू कैन सी योर डार्क इमेज ऑन द ग्राउंड व्हेन यू स्टैंड अंडर द सन। जब हम सूरज के पास खड़े हैं, सूरज के नीचे खड़े हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें अपनी परछाई दिखाई देती है। आप देख सकते हो ना यहाँ पे इस बच्चे की परछाई कैसे दिखाई दे रही है। तो व्हेन यू स्टैंड अंडर द सन यू विल सी योर शैडो। अ शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट। शैडो हमेशा लाइट के उल्टे डायरेक्शन में बनता है। द साइज ऑफ शैडो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द डे। तो ये जो शैडो है इसका जो साइज है वो पूरे दिन में हर टाइम चेंज होता है। जैसे कि मॉर्निंग में सबसे लंबी शैडो मिलेगी, आफ्टरनून आते ही शैडो छोटी हो जाती है क्योंकि सूरज हमारे सिर के ऊपर तक आ जाता है, एंड जैसे ही फिर से इवनिंग होती है शैडो फिर से लंबी होने लगती है क्योंकि सूरज जो है हमारे सामने आने लगता है। सो इन द मॉर्निंग द शैडो इज लॉन्ग, इन नून शैडो इज शॉर्ट, एंड इन द इवनिंग द शैडो इज लॉन्ग अगेन। Now here you have to test your skills children. John, Rahul and Manish went to the garden at different time of the day. आप देख सकते हो कि John, Rahul और Manish ये तीन बच्चे जो हैं कहाँ गए हैं, पार्क में अपने गार्डन में गए हैं अलग अलग टाइम के, दिन के अलग अलग टाइम पे। ऑब्जर्व ईच शेडो एंड इंडिकेट द टाइम ऑफ द डे। तो हर शेडो को आपको देखना और बताना है क्या टाइम हो रहा है दिन का। मॉर्निंग इवनिंग और नून, क्या मॉर्निंग हो रही है, इवनिंग हो रही है या फिर नून हो रही है। क्लू, हियर इज ए क्लू, टेक द डायरेक्शन ऑफ योर लेफ्ट एज ईस्ट। अगर लेफ्ट की तरफ जो है शैडो है इसका मतलब वो ईस्ट की तरफ है। तो आप देखो कौन से बच्चे के लेफ्ट की तरफ शैडो है, हियर हियर और हियर। सो ये बच्चा जो है लेफ्ट की तरफ शैडो है इसका मतलब ईस्ट की तरफ इसका शैडो है। तो ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉर्निंग हो रहा है, इवनिंग हो रहा है या फिर आफ्टरनून हो रहा है। सो फाइंड आउट चिल्ड्रेन एंड राइट इट हियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड। वी हियर साउंड ऑल अराउंड अस। हम अपने आसपास हर जगह साउंड सुनते रहते हैं पूरे दिन। द बार्क ऑफ अ डॉग, डॉग का भौंकना। म्यू ऑफ अ कैट, कैट का म्यू करना। चर्पिंग ऑफ अ बर्ड, बर्ड के चहचहाना। रिंगिंग ऑफ द स्कूल बेल, स्कूल बेल के बजने का साउंड। द लिस्ट इज एंडलेस। ये जो लिस्ट है ना साउंड्स की, ये एंडलेस है, मीन्स कभी ना खत्म होने वाली। वी प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी स्पीक सिंग एंड लाफ। जब हम हंसते हैं, गाते हैं, बोलते हैं या फिर लाफ मीन्स हंसते हैं, तो क्या होता है साउंड जो है हर चीज में प्रोड्यूस होता है, चाहे हम बोलें चाहे गाएं या फिर हंसें। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। अलग अलग तरीके के साउंड होते हैं। पहला होता है एक सॉफ्ट साउंड, लाउड, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट एक्सेट्रा। तो इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके के साउंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू टॉक वेरी सॉफ्टली वाइल प्लेइंग चाइनीज विस्पर। जब हम चाइनीज विस्पर एक गेम खेलते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, बहुत ही सॉफ्टली मीन्स बहुत ही धीरे बोलना होता है। द साउंड फ्रॉम अ ड्रम इज लाउड। और जब ड्रम का साउंड बजता है तो वो काफ़ी ज़्यादा लाउड होता है। वी लाइक द साउंड ऑफ सॉफ्ट म्यूजिक, बर्ड चर्पिंग एंड समवन सिंगिंग इन ट्यून। हमें क्या पसंद है, हमें पसंद है साउंड किसका, सॉफ्ट म्यूजिक का साउंड पसंद है। हल्की हल्की म्यूजिक चल रहा है हमें वो अच्छा लगता है। बर्ड्स के चहकने की आवाज़ हमें अच्छी लगती है, और कोई अगर गाना गा रहा है प्यारे से धुन में तो वो भी हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है। दीज साउंड्स मेक अस हैप्पी। ये जो साउंड्स हैं वो क्या करते हैं, हमें हैप्पी बना देते हैं। सच साउंड्स आर प्लीजेंट टू हियर। और ऐसे साउंड्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, प्लीजेंट होते हैं सुनने में। वी डिसलाइक द साउंड ऑफ लाउड म्यूजिक, हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स एंड स्क्रीमिंग पीपल। हमें क्या पसंद नहीं है, हमें जो है तेज आवाज़ वाले साउंड पसंद नहीं है। और हॉन्किंग ऑफ हॉर्न मीन्स बहुत तेज कोई हॉर्न बजा रहा है वो अच्छा नहीं लगता है, एंड लोगों का चिल्लाना भी हमें अच्छा नहीं लगता है। दिस साउंड्स अनॉय अस। उनके जो साउंड है वो हमें परेशान करते हैं। सच साउंड्स आर अनप्लीजेंट टू हियर। ऐसे साउंड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं सुनना।
अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज, और ऐसे अनप्लीजेंट साउंड को हम नॉइज कहते हैं। नॉइज डिस्टर्ब्स पीपल, नॉइज क्या करता है, लोगों को डिस्टर्ब करता है। टू मच ऑफ नॉइज कैन ऑल्सो डैमेज आवर ईयर, अगर ज़्यादा शोर होता है तो हमारे कान भी खराब हो सकते हैं। सो वी शुड स्पीक सॉफ्टली, हमें कैसे बात करनी चाहिए, सॉफ्टली बहुत ही प्यार से धीरे धीरे बोलना चाहिए। अवॉइड टू मच हॉन्किंग, बहुत ज़्यादा जो हॉन्किंग की आवाज़ है ना वो नहीं क्रिएट करनी चाहिए। कीप द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन लो, रेडियो और टीवी का जो वॉल्यूम है कम रखें ताकि वो साउंड सबको प्लीजेंट लगे ना कि परेशान करे। अब आप देख सकते हो एरोप्लेन उड़ रहा है तो कितना ज़्यादा नॉइज क्रिएट कर रहा है। चिल्ड्रन डू यू नो द मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्या आपको पता है कि मून जो है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। एज इट शाइन्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्योंकि ये सनलाइट की वजह से क्या करता है, शाइन करता है। अ फायर फ्लाई इज नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो फायर फ्लाई है वो नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है अदर देन द सन एंड द स्टार्स, सन और स्टार्स के अलावा। नाउ टेस्ट योर स्किल्स में आगे हम, यहाँ पे हमें क्या करना है, फिल इन द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स इन द गिवन चार्ट, यहाँ पे फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो आपको फिल करने, वन हैज बी डन फॉर यू। तो फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट और चेंज इट्स पोजिशन, तो ये तो एक चीज़ है, एक एफर्ट है जो फोर्स क्रिएट, इफेक्ट है जो फोर्स क्रिएट करता है, और क्या क्या चीज़ें फोर्स क्रिएट करता है। सो यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज फोर्स। सो फोर्स इज अ पुल और अ पुश। सो फोर्स क्या है, किसी चीज़ को पुल करना मीन्स अपनी तरफ खींचना, किसी चीज़ को पुश करना मीन्स पीछे की तरफ ढकेलना। सो पुश एंड पुल, सो फोर्स क्या है, इज अ पुश और अ पुल। यू अप्लाई फोर्स टू डू वर्क, कोई भी काम करने के लिए हमें फोर्स को अप्लाई करना होता है, चाहे हम चीज़ों को ढकेलना पड़ता हो चाहे उसे जो है अपनी तरफ पुल करना होता है। यू पुल द डोर ऑफ योर कबर्ड टू ओपन इट एंड पुश इट टू क्लोज इट, हम क्या करते हैं डोर के जो हमारा कबर्ड है उसके डोर को ओपन करने के लिए हम उसे पुल करते हैं और बंद करने के लिए पुश कर देते हैं। सिमिलरली यू पुश द पेडल्स ऑफ द बाइसिकल टू मूव इट, अब बाइसिकल को चलाना है तो आप क्या करोगे, उसके जो पेडल्स हैं उसे आप पुश करोगे। इन ऑल दीज केसेस यू इधर पुल द ऑब्जेक्ट और पुश इट, अब इन सब में हम क्या करते हैं, या तो ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं। वाइल पुलिंग और पुशिंग यू अप्लाई फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड डू वर्क, अब पुलिंग और पुशिंग में आप क्या करते हो, आप फोर्स को अप्लाई करते हो और काम को करते हो। फोर्स इज वेरी यूजफुल एज इट हेल्प्स अस टू डू मेनी थिंग्स, फोर्स है बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि वो क्या करता है, हमें बहुत सारे काम करने में हेल्प करता है। अब क्या क्या है वो काम, वी अप्लाई फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट, हम फोर्स को अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। वी अप्लाई फोर्स टू स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी तेजी से आती हुई चीज़ को या तो स्टॉप करने के लिए या उसे धीरे करने के लिए भी हम फोर्स लगाते हैं। वी अप्लाई फोर्स टू चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम क्या करते हैं फोर्स को लगाते हैं किसी भी चीज़ के शेप को चेंज करने के लिए, साइज को चेंज करने के लिए। जैसे मम्मी क्या करती हैं, फोर्स लगाती हैं और आटे की वो क्या बना देती हैं, लोई बना देती हैं फोर्स अप्लाई करके, फिर उसकी रोटियां बन जाती हैं फोर्स अप्लाई करके। सो ये यू कैन सी फोर्स कैन मूव ऑन रेस्टिंग ऑब्जेक्ट, क्या कर सकता है फोर्स, कैन फोर्स जो है किसी रुकी हुई चीज़ को मूव कर सकता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स जल्दी से तेजी से आती हुई चीज़ को रोक सकता है। एंड फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और फोर्स है किसी भी चीज़ का शेप चेंज कर सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्लैशबैक, वी नीड लाइट टू सी आवर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए। ऑब्जेक्ट्स दैट गिव अस लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव अस लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। Shadows are formed when an object blocks or stops the path of light. Sound that is loud
and unpleasant is called noise. And too much of noise is bad for our health. Force is a push or a pull. We apply force to do work. So these were the important points that we have to remember. Now let's move on to new words. So some new words we have learned in this chapter. The first word is noise. Loud and unpleasant sound is called noise. Friction means a force that slows down the movement. Aisa force jo movement ko slow kar deta hai, usse friction kehte hain. Force is a push or a pull. Kisi cheez ko push karna ya fir pull karna, that is called force. Now let's move on to book exercise, children. Here the A exercise is, take the correct option. This object gives its own light. ये अपनी खुद की light देता है. क्या है ये? क्या book अपनी खुद की light देता है? Sun देता है, pencil देता है, या फिर table देता है? So yes, the correct answer is sun. We can see any object when there is. हम किसी चीज को कब देख सकते हैं? जब वो dark हो, loud हो, light हो, या फिर night हो. So the correct answer is light. Now sound are like rustling of leaves and flowing river are. जो पत्तों की आवाज़ होती है या नदी के बहने की आवाज़ होती है, वो कैसी होती है? क्या वो pleasant होती है, अच्छी होती है, unpleasant होती है, ख़राब होती है? Both A and B, दोनों ही होती है, अच्छी भी होती है, ख़राब भी होती है. And none of these. So do it yourself. So question number 3 and 4 are your homework, children. You have to do them yourself. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with the correct options. So here the first one is, we see non-luminous object when light dash on them, falls on them. Hum non-luminous objects ko kab dekh paate hain? Jab light un pe padti hai. The dash is the main source of light on earth. Earth pe main source kya light ka? It is the sun. Now the third one is, a candle is a dash object. Candle kaisa object hai? Luminous ya non-luminous? So it is luminous object. So let's write here luminous. Clear, children? Now let's move on to the next C part. 4 and 5 are your homework, children. Match the following. So yahan pe kuch pictures di gayi hain, unke name diye gaye hain, hame unhe match karna hai. So, सबसे पहले देखते हैं ल्यूमिनस क्या है. ये हमारा बल्ब, दिस इज ल्यूमिनस. ऑब्जेक्ट कोई बताइए. सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट. प्लीजेंट साउंड किसकी होती है? सबसे अच्छी प्यारी प्यारी साउंड किसका होता है? बर्ड का होता है. दिस इज प्लीजेंट साउंड. नॉन ल्यूमिनस कौन सी चीज है? यू हैव टू आइडेंटिफाई. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, नॉइज एंड फोर्स. So do the rest of the matching yourself. Now let's move on to D part, which is answer the following questions. How is a shadow formed? So children, shadow is formed when an object blocks the path of light. So this is how shadow is formed. Now what is sound? So sound is the mixing of some now children, the next question is, what is sound? Sound is anything that we hear is sound. It can be of two types, a sound that is pleasant and another one that is not pleasant, yeah, or unpleasant. Next, state the difference between luminous and non-luminous objects and give two examples of each. So, luminous objects are those objects that give their own light. So, these give their own light. And non-luminous objects are that do not have their own light. And these do not have their own light. So the two examples that you have to give yourself. Like this, children, you have to do question number 4 and 5 yourself. With this, the chapter is over, children. I hope it's clear to you what is light, what is force, what is sound. You are clear with these topics. I'll be waiting for you, children, with a new video.
Till then, stay tuned and thanks for watching.